हेलो एवरीवन वेलकम टू जीवंत क्लासेस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ़ यू पी पी जी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो मेरे पास बुकलेट सीरीज़ ए है जिसका मैं आंसर आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की ठीक है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या है आंसर्स विद क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है मैं इंग्लिश वाला देखूँगी तो डिस्कस करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर वन टोटल वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं टोटल वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं जिस जिनको हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट वन एंड विद लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो यहाँ लिस्ट वन और लिस्ट टू है आपको इनको मैच करना है और करेक्ट सिक्वेंस को देखना है एनिमल एसोसिएशन दिया है और उनकी डेफिनेशन दी है आपको देखना है कौन सा सिक्वेंस सही है तो मैं सीधा आंसर बताती हूँ यहाँ पर टू थ्री फोर वन यानी कि टू थ्री फोर वन यानी कि कोऑपरेशन लूज एसोसिएशन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट ये आपका कोऑपरेशन है नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म जो होता है वो होता है क्लोज एसोसिएशन इन बोथ विच इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड ठीक है नेक्स्ट है एमेंशलिज्मलिज्म का मतलब होता है वन स्पीसीज वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर अदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट और कॉमेंशलिज्म का मतलब होता है क्लोज एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स ठीक है तो ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वैस्कुलर बंडल्स ना ऐसे कौन सा स्टेम है जिसमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो शो होती है और उसका वेस्कुलर बंडल जो होता है वो लेप्टोसेंट्रिक होता है लेप्टोसेंट्रिक तो ड्रेसिएना जो है ड्रेसिएना में हमें लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इट इज़ अ फंगस इज फाउंड ऑन इट्स अल्टरनेटिव होस्ट तो पक्सीनिया का जो अल्टरनेटिव होस्ट है उसमें कौन सा टाइप ऑफ जो है स्पोर पाया जाता है तो पिग्नीडियो स्पोर पाया जाता है पिग्नीडियो स्पोर जो है वो करेक्ट आंसर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डी एन ए इज़ द जेनेटिक मटीरियल कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें डी एन ए जो है वो जेनेटिक आपको पता है कि ये जो वायरसेस होते हैं उसमें दोनों ही टाइप के डी एन ए और आर एन ए दोनों ही तरह में से कोई एक पाया जा सकता है एज अ जेनेटिक मटीरियल जबकि हम ह्यूमन्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो उनमें सिर्फ डी एन ए होता है जेनेटिक मटीरियल बट वायरस में हमें आर एन ए भी देखने को मिलता है और डी एन ए भी हो सकता है तो टी टू फेज जो वायरस होता है उसमें क्या होता है डीएनए uh, जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है अदरवाइज टी और एम जो होता है यहाँ पर आर एन एज ए जेनेटिक मटीरियल देखने को मिलता है लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड ऑन द शेल ऑफ पाइला पाइला की जो शेल पर लाइन ऑफ ग्रोथ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं उसे वायरिसस बोलते हैं नेक्स्ट है रेंडियर मॉस रेंडियर मॉस किसका कॉमन नाम है तो क्लैडोनिया रेंजीफेरा को हम रेंडियर मॉस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन प्रोटीन के सिंथेसिस के रिगार्डिंग कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है ठीक है कौन सी बात सही नहीं है ये पूछ रहा है सो पॉलीपेप्टंथेसिस प्रोसीड्स फ्रॉम टर्मिनल सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल एनड तो ये गलत बात है इसका जस्ट उल्टा होता है एन टर्मिनल से सी टर्मिनल होता है सी टर्मिनल से एन टर्मिनल पॉलीपेप्ट सिथेसिस नहीं होता है हाव इज़ इट दैट टीनिया स्केप्स डाइजेशन by द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैसे टीनिया जो होता है टीनिया सोलियम जो एंजाइमेटिक एंजाइम्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उनसे वो कैसे बचता है वो एसिडिक म्यूकोपोलीसेकेराइड एसिड म्यूकोपोलीसेकेराइड का म्यूको की वजह से वो बच जाता है नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ फॉसिल टाइप इसमें से कौन सा फॉसिल का टाइप नहीं है तो कोल बार भी है एम्बर भी है कॉम्पैक्शन भी है बेसाल्ट कोई भी फॉसिल का फॉर्म नहीं है द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डी जेनरेट कोड जेनेटिक कोड को यानी जो कोडॉन्स होते हैं उनको हम डी जेनरेट कोड क्यों कहते हैं क्योंकि मोर देन वन कोडॉन हैज़ द सेम मीनिंग ठीक है मोर देन वन कोडॉन एक से ज़्यादा कोडॉन जो होते हैं उनकी सेम मीनिंग होती है यानी कि कई सारे कोडॉन जो होते हैं एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए क्या करते हैं कोडिंग करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है पहले डी एन ए होता है डीएनए से आर एन ए होता है फिर प्रोटीन बनता है तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर विच वन इज करेक्टली पेयर्ड इसमें से कौन पेयर्ड है तो इसमें से सीसम जो है उसका साइंटिफिक बोटेनिकल नेम है डलबर्जिया सीसो तो ये करेक्ट है द न्यू वेराइटीज़ ऑफ अ स्पीसीज आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ तो नए वेराइटी जो पाई जाती हैं स्पीसीज के बीच में तो एक बहुत ही माइक्रो इवोल्यूशन है आपको पता है स्पीसीज़ के बीच कम डिफरेंस होता है जबकि हम सबसे हायर लेवल पर जाएँ तो किंगडम्स के बीच ज़्यादा डिफरेंस होता है तो ये माइक्रो इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वॉज डिवाइड ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैटेगरी जो कैरोलस नीनियस ने जो बायोनॉमिल सिस्टम दिया था उसमें उन्होंने जीनस और स्पीसीज की बात की थी उसका नेमिंग किया था बट बात यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि क्या किया था ये पूछ रहा है कि क्या नहीं बताया था तो भाई फाइलम और फैमिली के बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया था उसके बारे में उन्होंने नहीं, नहीं बात की थी नेक्स्ट है सी एस टू सी एस टू यानी इथाइलिन जो होता है वो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट फ्रूट जो होता है वो इसकी वजह से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक इन सेक्स फीड ऑन विच ऑफ दी होस्ट प्लांट लैक इंसेक्ट जो होते हैं वो किस प्लांट पर फीड करते हैं तो ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिजाइफस जुजुबा और कैचनस कैजान ये तीनों ही तरह के प्लांट पर आ, क्या करते हैं फीड करते हैं तो ऑल ऑफ दी इसका करेक्ट आंसर होगा वैसे तो ब्यूटिया एंड मोनोस्पर्मा बहुत कॉमन है सब जानते हैं बट यहाँ ऑल ऑफ दी दाइनस प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक पाइनस अपने आप को कैसे बचाता है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रेजिन इन करता है और ये रेजिन क्या करते हैं पाइनस को प्रोटेक्ट करते हैं इन माइक्रोबियल और इन्फेक्शन और इंसेक्ट्स से विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला इज ऑफ फैमिली रोजेसी फैमिली रोजेसी का फ्लोरल फार्मूला क्या है तो वो ये है ये है ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ठीक है तो यहाँ पर आ, क्या क्या कैलिक्स कोरोला का सब नंबर जो दिया है वो ये है कंडीशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एनिमल इज पॉइजनस इसमें से कौन सा पॉइजनस है तो ऑर्निथोरिंकस मेल जो होते हैं ये पॉइजनस एनिमल्स होते हैं नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैज सेप्टेड हाईफी एंड रिप्रोड्यूज ए सेक्सुअली बाई बर्डिंग कोनीडिया एंड फ्रेगमेंटेशन तो बेसिडियो माइकोटीना में क्या होता है यहाँ पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होता है कोनीडिया और फ्रेगमेंटेशन तीनों ही देखने को मिलता है कहाँ पर बेसिडियो माइकोटीना में हाउ मनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन हीरो डनेरिया तो हीरोनेरिया का जो सेक्शन होता है सेगमेंट्स होते हैं उनको हम सोमाइट्स बेसिकली कहते हैं तीन तरह के सोमाइट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर तो ये टोटल थर्टी थ्री सोमाइट्स होते हैं नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर कैबेज नॉलखोल एंड टर्निप बिलोंग्स टू हाउ मेनी जेनरा तो ये वन जनरा होती है जीनस एक ही होती है स्पीसीज अलग अलग होती है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाड्रामस फिश एनाड्रामस फिश कौन सी होती है तो हिलसा जो है वो एनाड्रामस फिश है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैस्ड इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है तो कॉटन जो होता है वो फ्रूट फाइबर नहीं होता है वो सीड फाइबर होता है ये करेक्टली मैच नहीं है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी टू इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स इन तो उनको कितने कैटेगरी में प्लेस किया गया है वो फाइव शेड्यूल्स हैं उसमें उसमें उनको अलग अलग फाइव कैटेगरीज है, हैं फाइव शेड्यूल्स हैं जिनमें उनको प्लेस किया गया है द टीथ आर रिप्लेसड बाई अ हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग तो ऐसा कौन सा है जिसमें जो टीथ हैं वो बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो है केलोनिया या हाँ केलोनिया बोलेंगे इसको ठीक है केलोनिया में जो आ, बीक आ, टीथ है वो बीक में कन्वर्ट होता है रिटॉर्ड शेप्ड सेल्स आर फाउंडिंग तो वो कहाँ देखने को मिलता है इस फैगनम में देखने को मिलता है रिटॉर्ड शेप्ड सेल्स नेक्स्ट है छपरल हाँ चैपरल अकर इन वन ऑफ द एरिया कहाँ पर देखने को मिलता है तो मेडिटेरेनियन एरिया जो होते हैं मेडिटेरेनियन एरियाज में हमें चैपरल देखने को मिलता है नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द साइज़ ऑफ मसल्स बाय सिक्सटी परसेंट दिस इज दी मेनली द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज भाई तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल का डायमीटर भी बढ़ जाता है नंबर ऑफ़ मसल सेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं नंबर ऑफ़ माय फाइब्रिल्स यानी कि जो मसल में फाइबर्स होते हैं उनका भी अमाउंट बढ़ जाता है तो ये सारी चीज़ें होंगी ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट है क्लोराइड सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ फिशेस आर फाउंड इन देयर तो क्लोराइड सिक्रीटिंग सेल्स जो होती हैं फिशेस में वो कहाँ पाई जाती हैं वो गिल्स में पाई जाती हैं ठीक है Next है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस द फर्टिलाइज एग्स डेवलप्स इन द स्टमक ऑफ द फीमेल एंड लिटल फ्रॉक कम आउट ऑफ इट्स माउथ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अगर देखा जाए तो एक नया क्वेश्चन है तो ये कहाँ देखने को मिलता है ये रियो बैट्रिकस में देखने को मिलता है ठीक है रियो बैट्रिकस में ये चीज देखने को मिलती है जहाँ पर जो फ्रॉग्स है वो माउथ से बाहर निकलते हैं ठीक है नेक्स्ट है इन अ हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इफ पैरेंटल टाइप्स एक्सीड द रिकॉम्बिनेशन टाइप्स अमंग द रिजल्टेंट प्रोकेनी ठीक है अगर डायहाब्रिड क्रॉस है और वहां पर जो पेरेंटल टाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाता है उनका नंबर रिकॉम्बिनेशन टाइप से ज्यादा हो जाता है अगर नई जनरेशन में जो रिजल्टेड प्रोगे है तो वहां पर क्या है वो किसकी वजह से हो रहा है लिंकेज की वजह से हो रहा है ठीक है मोनोजीनियन एक्टोपैरासाइड ऑफ फिशेस आर पर्टिकुलरली फाउंड ऑन देयर गिल्स तो कहां पाए जाते हैं गिल्स पर पाए जाते हैं इन पेल्यूम द हेस्टेड प्लेट हेस्टेड प्लेट पाए जाते हैं इस फाउंड ऑन दी कहाँ पाए जाते हैं तो ये येस्टेड प्लेट आर फाउंड ऑन दी साइड ऑफ कार्डियक स्टमक यानी जो इनका स्टमक होता है कार्डियक स्टमक होता है इसके किस साइड पे पाए जाते हैं तो वेंट्रल साइड पे हमें हैस्टेड प्लेट देखने को मिलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है भाई फ्रॉग में टीलो लेसिथल एग होता है इंसेक्ट में सेंट्रोल एग होता है बर्ड में पॉली एग होता है सही है मैमल्स में माइक्रोलेसिथल नहीं होता वो ए लेसिथल होता है ठीक है ए लेसिथल एग्ज होते हैं मैमल्स में ठीक है तो पॉली नहीं होता अगर हम ह्यूमंस की बेसिकली बात करें ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या होता है ए लेसिथल एग होता है नेक्स्ट बात करते हैं सिनीग्रीन इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फैमिली सीनीग्रीन कहाँ देखने को मिलता है तो ब्रेसी फैमिली के मेंबर्स में हमें देखने को मिलता है क्या सीनीग्रीन yeah, cool नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्सेज द फ्लेवर ऑफ फ़ूड इसमें से कौन सा फूड के फ्लेवर को इन्हांस करने करता है तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है वो फ्लेवर को इन्हेंस करने की कोशिश करता है ठीक है इसका यूज़ करते हैं द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस रिपीटेड क्वेश्चन है वो कैसा होता है डिप्लॉयड होता है कॉपर डेफिशियंसी लीड्स टू तो कॉपर की डेफिशियसी से क्या होता है एक्जेंथेमा होता है एक्जेंथेमा डिजीज हो जाती है द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि जब हम एक सिंगल सेल से प्रोटीन पाते हैं जैसे कि हमें कहाँ से मिलता है हमें एल्गी से भी मिल जाता है फंगी से भी मिल जाता है बैक्टीरिया से भी मिल जाता है तो सिंगल सेल प्रोटीन हमें तीनों से मिलता है नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर स्टोर्ड इन कहाँ होता है एलेंटॉयस एलेंटॉयस क्या होता है एलेंटॉयस एक्सक्रीशन का, का काम करता है फीटस में एक्सक्रीशन का, का काम करता है तो भाई वेस्ट को निकालना उनको ठीक है नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करना और उनको एक्सक्रीट करना दोनों ही एलेंटोइस का काम होता है जब फीटस होते फीटल स्टेज में ठीक है द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बिक्स मोराई लास्ट फॉर कितने दिन का होता है तो 42 डेज का होता है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ योक और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे द एग्स ऑफ फ्रॉग फ्रॉग का एग कैसा होता है तो वो मीजो और टीलो होता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग सैक होता है और टीलो यानी कि ये समझ लो ये एग है और इसमें अमाउंट ऑफ योग सैक जो है वो मॉडरेट अमाउंट है यानी कि ना ज़्यादा है ना कम है मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग सैक है मॉडरेट योग सैक ठीक है और एक किसी एक पोल पर जो होगा एक पोल पर योग सैक पाया जाएगा ठीक है किसी एक पोल पर पूरे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो टीलो कहा जाएगा ठीक है टीलो लेसिथल कहा जाएगा चल देखते एट रेगुलर इंटरवल्स द हार्ट बीट इज रिवर्स इन ठीक है रेगुलर इंटरवल्स पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे बार बार हार्ट बीट किसमें रिवर्स होती है तो वो हर्ड मेनिया में होती है ठीक द सोरस ऑफ ड्राफ्ट टेरिस ड्राफ्ट टेरिस का जो सोरस होता है वो कैसा होता है मिक्स टाइप का होता है ये भी आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पम फाइला प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म ऐसा कौन सा जिम्नोस्पम का फाइला है जहाँ पर मोटाइल स्पर्म देखने को मिलते हैं बियर ओव्यूलेट एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट ओव्यूलेट और माइक्रोस्पोरेंजियट कोन्स देखने को मिलते हैं ऑन सेपरेट प्लांट्स अलग अलग प्लांट्स पर ठीक है एंड हैज फ्लैशी कोटेड सीड और उसमें फ्लैशी शीट्स पाए जाते हैं कोटेड सीट पाए जाते हैं तो ये साइकेडोफाइटा का कैरेक्टर है साइकेडोफाइटा में ऐसा देखने को मिलता है फेजेस विच शो लाइसोजेनिक साइकिल जो लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं फेजेस, उनको हम क्या बोलते हैं तो इनको टेम्परेट फेज कहते हैं द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनजियपम वॉज ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड तो एंजियोस्पम का ओरिजिन और उनमें डाइवर्सिफिकेशन किस एज में देखने को मिला था तो हमको क्रिटेशियस पीरियड में हमको देखने को मिला था ठीक है क्रिटेशियस पीरियड में हमें ये देखने को मिला था ऑफ द फॉलोइंग विच से प्रोटैंडली हर्मा हर्माफ्रोडाइट इसमें से कौन सा जो है वो हर्माफ्रोडाइट है तो टीनिया जो है वो हर्माफ्रोडाइट है द वैला ऑफ ऑर्किड रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्किड रूट का जो वेला है वो कहाँ से मिलता है तो वो क्या है वो एक्चुअली में डर्मेटोजन है रूट का रूट का डर्मेटोजन यानी एपिडर्मिस वाली लेयर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स अगर हम एड्स की बात करें तो इट इज कॉज बाई रेट्रोवायरस बिल्कुल आर होता है जेनेटिक मटीरियल इट रेप्लीकेट्स विद इन टी फोर लिम्फोसा टी फोर लिम्फोसाइड के अंदर होता है एलिसा टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल भाई एलिसा टेस्ट जो होता है वो वायरस पार्टिकल वायरस को जानने के लिए यूज़ किया जाता है बट एक्चुअली में वो वायरस पार्टिकल को नहीं उसका अलग सिस्टम होता है टेस्टिंग का प्रोसीजर तो ये बात सही नहीं है फोर देखते हैं इट मे रिमेन डॉर्मेंट फॉर सिक्स ईयर बिल्कुल एड्स का तुरंत पता नहीं चल पाता है धीरे 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 बॉडी वीक होती रहती है ठीक है तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट भी सही है तो वन टू एंड थ्री ये तीनों बात सही वन टू और फोर तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है वन टू एंड फोर ये तीनों ही बात सही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द थ्री थ्री पेयर्स ऑफ अपेंडेजिजस फाउंड इन नोपलियस लार्वा ठीक है तो इसमें से कौन सी बात सही है नोपलियस लार्वा uh, के बारे में थ्री पेयर ऑफ अपेंडेज के बारे में तो बोथ एंटीनी एंड मैंडिबल्स आर बाई रेमस ठीक है दोनों ही एंटीनी और मैंडिबल दोनों ही बाई रेमस होते हैं इन केस ऑफ नोपलियस लार्वा विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रो एंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम बाई एंट्रोकाइनेज एंड देन बाई एट ऑटोकेटालिसिस ठीक है इसमें से कौन सा प्रो एनजाइम है जिसको पहले जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रो एंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू एक्टिव एंजाइम जो कि एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है बाई एंट्रोकाइनेज और फिर ये क्या करता है फिर ये ऑटोकेटालिसिस करता है तो ये भैया ट्रिप्टोसिनोजन है सॉरी ट्रिप्सिनोजन है ट्रिप्टोसिनोजन कह रही हूँ मैं जो है वो ये है करेक्ट आंसर एंटी ट्रांसपेरेंट इज एंटी ट्रांसपेरेंट इसमें क्या है तो फेनिल एसिटेट जो है पीएमए जो है वो एक एंटी ट्रांसपेरेंट है ठीक है एंटी ट्रांसपेरेंट यानी कि ट्रांसपेरेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करता है रोकता है विच ऑफ द एक्सोक्राइन पेंक्रियाज कौन कौन रोकता है तो सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन दोनों ही रोकता है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सिक्रेटिन जो होता है ये तो बहुत कॉमन है लेकिन पेंक्रियो जैमिन दिमाग में नहीं होता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो सिक्रेटिन और पेंक्रियोजैमिन दोनों ही इनहिबिट करता है एक, एक्जोक्राइन सॉरी स्टिमुलेट करता है एक्जोक्राइन सिक्रीशन को दोनों मिलकर स्टिमुलेट करते हैं और सिक्रेटिन क्या है फर्स्ट डिस्कवर्ड हारमोन है ठीक है और हाँ फर्स्ट डिस्कवर्ड हारमोन है डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड ठीक है किसी भी हैबिटेट का अगर डाइवर्सिटी हो रही है ओवर द टोटल लैंडस्केप पूरे लैंडस्केप के अकॉर्डिंग या जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग तो इसको हम क्या बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी बोलेंगे ठीक है विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन फीचर ऑफ साइकस इसमें से कौन सी स्टेटमेंट साइकस को नहीं रिप्रेजेंट करती टू काइंड ऑफ लीप पाई जाती है बिल्कुल सही है ठीक है मोनोशियस होता है हाँ भाई मोनोशियस होता है वेस्ट शेप्ड माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं हाँ होते हैं ये नहीं होता है ये बात गलत है तो यही ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा ये बात गलत है इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नॉट तो माइक्रोराइसल एसोसिएशन नहीं पाया जाता ये तो पाइनस में पाया जाता है नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है जो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो होते हैं आर सेम इन एफ टू जनरेशन में दोनों सेम होते हैं ठीक है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है तो भाई आर्थोपोडा जो होते हैं उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन ठीक है सिलोमेट ये नहीं सही है ठीक है ये सही से मैच नहीं है एपी फ्लावर्स आर फाउंड इन गाइनस फ्लावर कहाँ देखने को मिलता है कुकुरबिटा में देखने को मिलता है फाइलेरिया इज डाइग्नोज बाई द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो फाइलेरी इन ह्यूमन ब्लड ठीक है माइक्रो फाइलेरी बनता है ह्यूमन ब्लड के अंदर फाइलेरिया जब आता है एक प्रो आ, ये होता है आपका वाउकेरिया से सॉरी वाउचेरिया से ठीक है आई थिंक सो हाँ मैं श्योर नहीं हाँ वाउचेरिया से होता है ठीक है एक प्रोटोजोन है तो कब सही टाइम होता है तो भाई रात के दस से चार बजे का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है अगर हमको सैंपल लेना है ठीक है सबसे क्योंकि रात को ही ये बेसिकली ज़्यादा इनका साइकिल चलता है ठीक है अगर हम लिस्ट वन और टू को मैच करते हैं तो कौन सा इसमें से सही होगा तो देखते हैं न्यूट्रोफिल्स ईओसिनोफिल्स तो ईओसिनोफिल्स जो होते हैं नंबर इंक्रीज एलर्जिक रिएक्शन जब होता है तो इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है लिम्फोसाइड जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो पहले ही देख लेते हैं बी का फोर और डी का वन तो बी का फोर और डी का वन यहाँ पर है तो डी ऑप्शन सही है इफ़ एन एक्टीन इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इन टू एन अमीबा इट्स मूवमेंट विल तो एक्टीन इनहिबिटिंग ड्रग अगर हम इंजेक्ट कर देंगे अमीबा में तो क्या होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि एक्टीन जो होता है आपको पता है माइक्रो माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलाेंट्स बनाते हैं और ये क्या होते हैं ये आ, लगे सेल के मेम्ब्रेन के साइड लगे रहते हैं मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं तो भाई जब इसको रोक दिया जाएगा इसके काम को रोक देंगे तो स्टॉप हो जाएगा रुक जाएगा ठीक है बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा उसमें इन सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर डाइसेंस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली डू नॉट कॉन्क्वाइट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन तो इसको डाइकोगामी कहते हैं जहाँ पर दोनों अलग अलग टाइम पर मेच्योर होते हैं तो डाइकोगैमिक कहते हैं जिससे सेल्फ पॉलिश तो पॉलिनेशन को ये क्या करते हैं अवॉइड करते हैं इन फ्यूनेरिया द कैलिप्ट्रा इज डिराइव्ड फ्राम फ्यूनेरिया में जो कैलिप्ट्रा होता है वो किससे बनता है तो आर्चिगोनियम से बनता है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ ओबिलिया कॉलोनी इज ऑफ ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सिम्पोडियल होता है इसकी जो कॉलोनी होती है इसकी ग्रोथ कैसी होती है सिम्पोडियल होती है चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलारी इन स्टार फिश इस ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है तो चीफ फंक्शन मेन फंक्शन क्या होता है क्लिनजिंग का काम होता है पेडिस क्या करता है क्लिनजिंग का काम करता है नेक्स्ट है बर्ड्स आर केपेबल ऑफ रिमूविंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर तो बर्ड्स जो होते हैं वो कितना अमाउंट ऑफ एयर जो होता है वो रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो नाइन्टी परसेंट ऑफ एयर वो है वो रिमूव कर सकते हैं ठीक है इंस्पिरेशन सॉरी ठीक है कैपेबल ऑफ रिमूविंग इंस्पिरेशन के थ्रू ठीक है एलोवियल सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन तो कहाँ पाए जाते हैं ज़ाहिर सी बात है गंगा और जमुना की जो प्लेन्स होती है जहाँ पर ये रिवर निकलती है जिस जिस, जिस जहाँ इनका बेसिन होता है वहाँ पर क्या होता है हमें एलोवियल सॉइल मिलता है विच ऑफ दॉलोइंग स्नैक फाउंड इन इंडिया इज नॉन पॉइजनस इसमें से कौन सा नॉन पॉइजनस है बड़ा इजी क्वेश्चन है किंग कोबरा भी पॉइजनस है क्रैद भी पॉइजनस है वाइपर भी पॉइजनस होता है तो भाई बोवा कंस्ट्रिक्टर जो है वो पॉइजनस नहीं होता है नेक्स्ट है ट्रिपेनोसोमा इस पॉलीमॉर्फिक ट्रिपेनोसोमा में कई सारे फॉर्म्स देखने को मिलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस लैक ऑफ फ्लैजिलम तो लिस्मानियल जो फेज होता है वहां पर फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता बाकी सारे फेजेस में हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है क्लीवेज ऑफ एम्फी ऑक्सस का क्लीवेज कैसा होता है तो होलोब्लास्टिक और इक्वल होता है ठीक इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस

तो ये बात गलत है कि ये सिर्फ कॉपर कंटेंट करता है क्योंकि इसके पास कॉपर और आयरन दोनों होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है जाहिर सी बात है ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन ये भी बहुत सही बात है तो सिर्फ कॉपर नहीं होता और कॉपर और आयरन दोनों होता है तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो होगी वो गलत होगी नेक्स्ट है पी सी ओ साइकिल इज इस ऑल्सो एज तो इसको सी टू साइकिल कहते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है ठीक एच डैस जीरो पॉइंट सिक्स वन लैमडा अपॉन थीटा तो ये पावर का फॉर्मूला है ठीक है टेरेस्ट्रियल तो एनिमल्स में बेसिकली तो रेप्टाइल मैमल बर्ड तीनों ही टेरेस्ट्रियल हैं फिश जो है वो एक्वाटिक है तो यहाँ पर कैरेटिन नहीं पाया जाएगा विच ऑफ दूनोग्लोबिलीन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट तो बड़ा इजी क्वेश्चन था आई जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो होता है वो लार्जेस्ट होता है ठीक है एम से मेगा से याद कर सकते हो हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल जो होता है वो उसको हम बोलते हैं एम्फी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है तो भाई एपी जीन जो होते हैं स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ एंथर एनदर जीन ये बिल्कुल गलत है स्टिमुलेट नहीं करते हैं सप्रेस करते हैं सप्रेस करते हैं ठीक है ठीके? सप्रेस कर देते हैं द एक्शन ऑफ जीन तो ये बात बिल्कुल गलत है ये तो गलत लिखा है बाकी सारी चीजें सही हैं नेक्स्ट है सीड्स हैविंग लॉन्गेस्ट वीएबिलिटी बिलोंग टू ऐसे सीड्स जिनकी वीएबिलिटी लॉन्गेस्ट होती है तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा वीएबिलिटी कहाँ देखने को मिलता है तो ल्यूपिनस में देखने को मिलता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट इज़ फाउंड इन हाइड्रोस्फीयियर हाइड्रोस्फीयर यानी पानी में कौन सा टॉक्सिकेंट देखने को मिलता है तो भाई डिटर्जेंट है बहुत कॉमन सी बात है डिटर्जेंट जो है वो एक टॉक्सिक मटेरियल जो पॉटर में देखने को मिलता है अ ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स डेवलपिंग ओवर द वाउंड चोट उट लगने पर जो ऊपर बन जाती है थिन वॉल्ड टिश्यू तो उसको हम कैलस बोलते हैं विस्ट वन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एन्जियोटेंसिन एलो इस्टरॉन सिस्टम आपको पता है एल्डो सिस्टम जो होता है वो रेनिन एनजियोटेंसिन एल्डो इस्टरॉन सिस्टम जो होता है वो कहाँ चलता है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एरिया में चलता है सेल्स में चलता है जो कहाँ होते हैं किडनीज में होते हैं ठीक है भाई कहाँ होते हैं किडनीज जब भी रेनिन नाम आए रेनिन आ गया आर ई एन आई एन रेनिन तो जाहिर सी बात है किडनी की बात हो गई यहाँ पर ये सब तो किडनी का पार्ट है नहीं जी जे जी ए ही क्या है किडनी का पार्ट है तो जे जे जी ए जो है करेक्ट आंसर है अ सैंपल ऑफ टेन पीपल हैव द फॉलोइंग बॉडी टेम्परेचर इन जीरो डिग्री सेल्सियस ये है भाई दस लोगों का सैम्पल जीरो डिग्री सेल्सियस जो है उस पर इनका सैम्पल है अब आप इनको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने आपको आना चाहिए नहीं आता तो देख लेना फार्मूला स्टैंडर्ड एविएशन निकालोगे तो 2.65 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो आएगा द स्टेन ओरेसिन इज ऑप्टेन फ्रॉम सॉरी ऑर्सिन जो स्टेन uh, है वो कहाँ से मिलती है तो रोसेला स्पीसीज से मिलती है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉन्ड टॉक्सिन इसमें से कौन सा ऐसा जो फूड बॉन्ड टॉक्सिन है तो बॉटोलाइनम टॉक्सिन जो होता है ये फूड बॉन्ड टॉक्सिन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है तो वही मेलाटोनिन जो होता है वो एपिफिसिस कराता है एपिफिसिस में होता है मेलानोट्रोपिन मिडल पिट्यूटरी से आता है लेप्टिन एडिपोसाइड से सिक्रीट होता है रेनिन आर ई एन आई एन भाई ये तो किडनी वाला है तो जब किडनी है तो स्टमक में कहाँ से आ जाएगा ठीक है तो स्पेलिंग रॉन्ग है स्पेलिंग रॉन्ग है ठीक है स्टमक ऑफ इन्फेंट बच्चों के में आर ई डबल एन आई एन होता है रेनिन ठीक है ये वाला रेनिन जो होता है ये किडनी वाला है ये किडनी वाला है ठीक है ये किडनी वाला है तो ये वाला जो है वो गलत है ये सही मैच नहीं है डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन इज एनजीओ में जो एंथर का डेवलपमेंट होता है वो यू स्पॉन्जियट टाइप का होता है द टर्म्स लोटिक एंड लेंटिक ये कहाँ से है फ्रेश वाटर हैबिटेट से रिलेटेड है एपोकार्पस कंडीशन कहाँ पाई जाती है रैनन कुलेसी में एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है नेक्स्ट है काइलोराइजी इज फाउंड इन काइलोराइजी कहाँ देखने को मिलता है एस्पेरेगस में अच्छा क्वेश्चन था काइलोराइजी कहाँ देखने को मिलता है एस्पेरेगस में द टेंड्रिल शोज टेंड्रिल कहाँ देखने को टेंड्रिल uh, क्या शो करता है हैप्टोट्रॉपज शो करता है ठीक है हैप्टोट्रोपिज्म कीमोट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म जब कुछ क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए हाइड्रोट्रोपिज्म कहाँ से शो करेगा फोटोट्रोपिज्म का कोई मतलब नहीं है केमिकल से उसका कुछ लेना देना नहीं तो जाहिर सी बात है क्या शो करेगा हेप्टोट्रोपिज्म शो करेगा नेक्स्ट है नाइनटी फाइव लीफलेस सिस्टम ऑफ ओनियन विच प्रोड्यूसेस फ्लावर लीफलेस सिस्टम जो होते हैं वो ओनियन के वो क्या करते हैं फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको स्कैप बोलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज परमिटेड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कौन सा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ, मतलब अलाउ किया जाता है तो भाई कलेक्शन ऑफ फ्रूट फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट इसके लिए वहाँ पर कोई मनाही नहीं है आप जाकर कलेक्ट कर सकते अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच वन इज द ओल्डेस्ट पीरियड अमंग द फॉलोइंग सबसे पुराना क्या है तो कैम्ब्रियन जो है पीरियड वो सबसे पुराना है द फेनना ऑफ बेट्राइडिली इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल तो नियोसरेडस में भी लैटिमेरिया में भी इस्फेनोडॉप इन सब में पाया जाता है तो ऑल ऑफ दोगा नेक्स्ट है हेलोफिटिक फोन हेलोफिटिक फन इसमें से कौन है तो जो है वो हेलोफिटिक फोन है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीज सीन इन स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ देखने को मिलता है अलग अलग रीजन कहाँ देखने को मिलते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अलग अलग रीजन देखने को मिलते हैं ना स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीज देखने को मिलता है तो ये तो एक ईजी क्वेश्चन था क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल ये कहाँ इज ऑल्सो कॉल्ड इसको uh, क्रेब्स हैंट साइकिल Uh, को और हम क्या कहते हैं तो यूरिया साइकिल बोलते हैं भाई ये क्रेब साइकल वो वाला नहीं है ये क्रेब से साइकिल जो होती है या ट्राई कार्बुलिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल ये तो तीनों एक ही नाम है ये हमारा माइटोकॉन्डिया वाला है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाला है ठीक है और ये हमारा लीवर वाला है यूरिया साइकिल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज़ इनकम्प्लीट इन कहाँ नहीं सही से होता इंटरविट वेंट्रिकुलर सेप्टम तो वो यूरोमेट्रिक्स यूरोमैस्टिक्स में होता है जो ये कम्प्लीट नहीं होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द एल्गल ग्रुप विद इट्स फूड रिजर्व कौन सा एकदम सही मैच है तो वही देखते हैं कौन सा एकदम सही uh, मैच है इसमें से ठीक है तो uh, जो यहाँ से पकड़ो 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 फोर ए का फोर ए का फोर यानी बेसिलिटियोफाइसी जो होता है उसमें वॉलीटीन होता है जेंथोफाइसी जो होता है उसमें ऑयल होता है ठीक है और फियोफाइसी जो होता है उसमें मैनीटोल होता है और क्लोरोफाइसी में क्या होता है ल्यूकोसिन होता है तो आपका फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा विच पेयर इज़ करेक्ट इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है तो रैन कैप्रीडेसी जो होता है उसमें एंड्रो फोर होते हैं ये एकदम करेक्ट है ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ द क्वीन बी कॉप्यूलेट तो वो सिर्फ एक बार कॉप्यूलेट करती है क्वीन बी पूरे अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही वो कॉप्यूलेट करती है सिर्फ वन टाइम द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपियंट एज पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर टर्म तो इसको सेक्सडक्शन कहते हैं भाई ना जहाँ पर बैक्टीरियल जीन जो होता है वो ट्रांसमिट करता है डोनर फ्रॉम डोनर टू रेसिपियंट डोनर जो होता है वो अपना जीन uh, ट्रांसफर करता है दूसरे बैक्टीरिया को देता है रेसिपियंट जिसको कहते हैं तो इस फैक्टर को इस एज अ पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर इसको क्या बोलते हैं सेक्सडक्शन बोलते हैं नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पोवर एंड गीबल राइजोफोर ऑफ सिलाजीनाला इज एन ऑर्गेन सू जेनरिस तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी रिपीटेड क्वेश्चन है ये पूछा गया था नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन दिस स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन अगर स्टिग्मा पे होता है तो उसको हम इन इनवि जर्मिनेशन कहते हैं यही अगर हम बाहर करेंगे तो इन विट्रो बोलते हैं तो ये, ये उल्टा करके पूछा है बढ़िया है बढ़िया मतलब जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का वो बहुत अच्छा है था तो इजी क्वेश्चन बट पूछने का तरीका, तरीका अच्छा था द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ एन एनिमल इज इक्वल टू एक्स एट जीरो डिग्री सेल्सियस इफ क्यू टेन इज इक्वल टू टू एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द रेट विल बी एट एक्स तो इसका आंसर होगा थर्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है नेक्स्ट है फीडिंग ऑफ स्पोरोजोआ इज तो स्पोरोजोआ में फीडिंग किसकी वजह से होती है किससे होती है तो माइक्रोपोर्स की हेल्प से होती है माइक्रोपोर्स की हेल्प से इन एरेटिक एवरेज द मीनिंग ऑफ दिस क्या होता है तो इसका मतलब होता है समेशन जब सम कर देते हैं तो आप लिखते हो ना एन ऐसे करके लिखते हो या पर्टिकुलर कोई भी चीज तो मतलब आप एच वन एच टू एच थ्री इन सब का सम करके यहाँ पर टोटल यहाँ लिख रहे हो ठीक है तो इसका मतलब ये होता है ठीक है इसका मतलब ये होता है चल नेक्स्ट इज एन एलगी हैविंग क्लोरोफिल ए फ्लोरीडिन स्टार्च एज स्टोरेज एक एलगी है भाई जिसके पास क्लोरोफिल ए है तो क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है सभी के पास होता है फ्लोरिडिन स्टार्च पाया जा रहा है एज अ स्टोरेज प्रोडक्ट एंड उसके अंदर फ्लैजिलेट सेल्स नहीं पाए जाते भाई ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो मोटाइल नहीं होते तो ये एक रोडोफाइसी का करेक्टर है रेड एलगी ठीक है रेड एल जो होते हैं इनमें इनमें मोटिलिटी एबसेंट होती है ठीक है मोटिलिटी मोटिलिटी एब्सेंट होती है इसमें रेड एल्गी में तो यहीं से बात आपने तो पकड़ ली कि भाई मोटिलिटी एब्सेंट होती है और ये क्लोरोफिल है तो समय पर फ्लोरिडियन स्टार्च उसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था फ्लोरिडियन स्टार्च वाला पूछा गया था ठीक है तो रोडो फाइसी हो जाएगा नेक्स्ट है फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट इन एंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल इज मेटेड तो क्या पाया जाता है अल्फा सेल्युलोस की थिकनिंग होती है उनके वॉल में ठीक है एंडोथीसियम वाली वॉल में ठीक है तो वन टू सेकेंड वाली जो होती है होती है फिर मिडल लेयर होती है कई लेयर की फिर टैपटम होता है तो एंडोथीसियम में जो लेयर थिकनिंग होती है वो अल्फा सेल्यूलोस की होती है विच वन इज मोस्ट प्रिमिटिव अमंग द फॉलोइंग इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसमें से सबसे प्रिमिटिव की बात करें तो जाइलोटम जो होता है वो सबसे पुराना है सबसे पहले राइनिया और जाइलोटम को ही स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो ठीक है पहले राइनिया पढ़ते हो फिर जाइलोटम पढ़ते हो इक्व फिर आप लाइकोपोडियम पढ़ते हो फिर सेलेजिना पढ़ते हो फिर इक्वेसीडियम का नंबर आता है तो जयलोटम सबसे प्रीमेटिव है ऑक्जो स्पोर्ट्स आर फाउंड इन ऑक्जो स्पोर्ट्स किस में पाए जाते हैं तो भाई बेसिलेरियोफाइसी का कैरेक्टर है ऑक्जो स्पोर्ट्स आप जब कभी कभी ऐसे भी सॉल्व कर लो भी साइनोफाइसी में नहीं पाया जाता क्लोरोफाइसी में हमें ऑक्जो स्पोर नहीं दिख रहा रोडोफाइसी में नहीं दिख रहा तो कौन बचा बेसिलेरियोफाइसी में ही पाया जाएगा जाहिर सी बात है पॉलिसोम कंसिस्ट पॉलिसोम किसको कहते हैं तो राइजो राइबोजोम और आ, जो एम आर एन ए होता है इसको हम बोलते हैं पॉलिसोम प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमेशा ही आता है एगोर प्लेसेंटा से तो क्वेश्चन आने ही है तो प्लेसेंटा जो होता है वो कोरियोनिक होता है सिर्फ कोरियोन बनाता है प्लेसेंटा मोनोडिस्कडल होता है और हीमो हीमेकोरियल होता है ठीक है यानी ब्लड होता है वहाँ पर ठीक है तो इस तरह का प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है ह्यूमंस में पाया जाता है इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने ठीक है और वहाँ पर उन्होंने वायरुलेंट स्ट्रेन का यूज किया जाता था, था एक वायरुलेंट स्ट्रेन थी एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी तो नॉन वायरुलेंट वाली तो आर थी और वायरुलेंट कौन थी एस थी तो एस जो स्ट्रेन जो थी वो वायरुलेंट स्ट्रेन थी नेक्स्ट चीज़ लोमासोम रिप्रेजेंट लोमासोम क्या होता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को शो करता है ठीक है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट इसमें से कौन सा फंगल डिजीज़ है तो एप्पल स्कैप जो है ये एक फंगल डिजीज़ है ओनली स्मूद वॉल्ड राइजॉइड्स आर फाउंड सिर्फ स्मूद वॉल्ड राइजॉयस कहाँ देखने को मिलते हैं तो पीलिया में देखने को मिलते हैं स्मूद वॉल्ड राइजॉइड सिर्फ स्मूद वॉल्ड राइजॉइड्स पाया जाता है अब प्रोकेरियोटिक सेल लैक प्रोकेरियोटिक सेल में क्या नहीं होता तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ओनली स्टोन इन इट्स डी एन ए भाई स्टोन तो आ, ओनली हिस्टोन इन इट्स डी एन ए अप्रोक्रियोटिक सेल लैक क्या नहीं पाया जाता तो भाई स्टोन तो उसमें पाया ही नहीं जाता ठीक है ओनली साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता सब सेल्युलर ऑर्गेनल्स uh, नहीं पाए जाते इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता अप्रोकेोटिक सेल में सब नहीं होता ठीक है हिस्टोन तो होता ही नहीं जब पहला ही आगे नहीं होता ठीक है दूसरा देख रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनल्स भी नहीं होते साइटोस्केलेटन बिल्कुल नहीं होता कुछ भी नहीं होता इसमें से ठीक है नेक्स्ट इज विच वन इज़ फाउंड इन एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल ठीक है अगर हम बैक्टीरिया के एंडोस्पम की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव सेल इज़ फाउंड इन एंडोस्पम ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल तो क्या नहीं पाया जाता भाई ठीक है इसमें पाया जाता है लेकिन इसमें नहीं पाया जाता तो डीपी कोलिनिक एसिड जो होता है ये इसमें नहीं पाया जाता है वेजिटेटिव सेल में वन स्पीसीज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एन अदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट दिस इज कॉल्ड ये शुरुआत में ये क्वेश्चन था तो ये वहाँ से ही पकड़ सकते थे एमेंसलिज्म जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है वीड्स ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई इज सॉरी वीड्स ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई इज रिमूव्ड बाई ठीक है तो अगर किसी पॉन्ड में फिश है और उसको आपको वीड्स को निकालना है ठीक है छोटे छोटे उसके बच्चे हैं तो आपको वहाँ से वीड्स को निकालना है तो आप क्या वे साइड यूज़ करोगे कभी नहीं मर जाएंगे उसके बच्चे हर भी साइड बिल्कुल नहीं पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं हम क्या करेंगे मैकेनिकल अपरूटिंग करेंगे ताकि उसके बच्चे भी ना मरें और हमारा वीड्स भी रिमूव हो जाए दोनों काम हो जाए तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना सो दैट आई आई गेट मोटिवेटेड एंड आई विल अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़ लाइक दिस Thank you so much.